है द्वारका देश। आज का टॉपिक है कोई फैसला कर चुका है जिंदगी का, तो क्या हो सकता है वो फैसला, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और एनर्जी ओरेकल में से 7 मैसेजेस, उनकी एनर्जी जानने के लिए। कुछ फैसले हम जिंदगी में ऐसे करते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जिनको हम कहते हैं सोच समझ के किया जाने वाला फैसला, और कुछ फैसले हालात की वजह से हमें करने पड़ते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन उस वक्त पे वो फैसला लेना जरूरी होता है। यहाँ पे क्या हालत है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। पहला ही कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। इस पर्सन को हो सकता है जिंदगी में किसी ने धोखा दिया है, यानी कि जैसे यहाँ पे जो सभी तलवारें हैं वो पीठ में आर पार हो चुकी है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा एनर्जी उनकी ड्रेन हो गई है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जाए कि इस पर्सन को धोखा मिलने की वजह से अब उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रही कि वो दोबारा इन बातों का सामना कर पाए। यानी कि जब किसी से हमें धोखा मिल जाता है तो हमें सबसे ज्यादा याद आती है उस पर्सन की जिसने हमारे साथ पूरी लॉयल्टी दिखाई थी, या फिर जिसने हमारे लिए अपना बेस्ट दिया था। और मे भी यही वजह हो सकती है कि उन्हें आपकी शायद याद आ रही है, उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अगर सही नहीं किया है तो मे भी उसी बात का फल इन्हें इस तरह से मिला है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन गिल्टी भी फील कर रहे हैं। टेन मतलब कम्प्लीशन का भी कार्ड होता है, तो इस धोखे से ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं या फिर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ बातों के बारे में दिल से एहसास फील हो रहा है। जहाँ पे हो सकता है आपके प्यार का जिक्र उनके दिलो दिमाग पे छा रहा है, मतलब ये एहसास होना, बातें भले ही आप दोनों के बीच में नहीं हो रही, लेकिन वो पल जो आप दोनों ने साथ में बिताए थे या फिर वो पल जिनकी वजह से आप दोनों दूर हो गए, उन सब बातों को याद करके राइट नाउ ये पर्सन उस सैडनेस में थोड़ा सा है और खुद को थोड़ा सा दोष भी दे रहे हैं कि मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। थोड़ा रिग्रेट की भी एनर्जी है, यानी कि पछतावा भी हो रहा है इस पर्सन को, और शायद इन्होंने ये भी सोचा है कि अब दोबारा जिंदगी में उस तरह की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। फिर है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस। एस हमेशा अच्छे ही होते हैं, तो ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है आपके तरफ अगर इनका अभी भी बहुत ज़्यादा झुकाव है, इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा अगर आपके लिए अभी भी जज्बात है, तो हो सकता है आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक के ऊपर कुछ पत्ते आ रहे हैं, जैसे पतझड़ होती है, पत्ते गिरते हैं पेड़ से, लेकिन फिर नई तरीके से उस पेड़ पे दोबारा पत्ते आ जाते हैं जब मौसम चेंज होता है। वैसे ही शायद इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि बीता वक्त जो था वो अगर इस तरह से आप दोनों के लिए बुरा था, जिसने आप दोनों को सेपरेशन में डाल दिया या फिर ये दूरियां ही मिली, तो एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि फिर से आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, मतलब आपके सामने कोई दोबारा से प्रपोजल रखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि राइट नाउ ऑल्सो उनके दिल में आपके लिए जज्बात है। तो आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है ये आपको अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए कोई एक्शन ले, कोई सरप्राइज दे सकते हैं, मिलने का पूछ सकते हैं, या फिर फोन कॉल मैसेज इनमें से भी कुछ कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये एहसास ज़रूर कराएंगे कि उनके दिलो दिमाग में अभी भी आपके लिए एक स्पेशल जगह है। फिर है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दो पर्सन है, ये पर्सन उनकी तरफ देख रहा है, तो हो सकता है इस पर्सन का किसी के साथ झगड़ा हुआ है और उसी झगड़े की वजह से इन्हें कुछ बातें समझ में आ चुकी है। मे बी इन लोगों के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन उन्हीं लोगों ने इनके भरोसे को तोड़ा है, जिस वजह से अब ये उन लोगों से बातचीत वगैरह नहीं कर रहे। ये सभी जो लोग हैं दो साइड में, उनके चेहरे अलग अलग दिशा में हैं, तो इस पर्सन का शायद
वो नेटवर्क टूट चुका है। मे भी उनके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने जानबूझ के इस रिश्ते में दूरियां डाली थी, अपने फ्रेंड को धोखा देने की कोशिश की। कुछ लोग होते हैं जो किसी का अच्छा नहीं चाहते, ऊपर से तो दिखाते हैं कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उनके जो इंटेंशंस होते हैं, उनका जो एक गोल होता है वो अच्छा नहीं होता। मतलब दूसरे की खुशियों से ज्यादा दूसरों को तकलीफ देने में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही शायद यहाँ पे कुछ उनके फ्रेंड सर्कल की रियलिटी उनको समझ में आ चुकी है, जिसकी वजह से अब ये उन निगेटिव लोगों से दूर हो रहे हैं। और शायद वही आपको बताना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ देम, मतलब उन लोगों ने कितना ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, और अब उन्हें एहसास की वजह से शायद ये फील हो रहा है कि उन्हें उन लोगों के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। मतलब खुद के दिल को इम्पोर्टेंस देते हुए, आखिर मेरा दिल क्या चाहता है या मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंस होता है, ना कि दुनिया भर के लोग क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो बातें। तो शायद यही बात है कि ये पर्सन अब सोच चुके हैं कि नहीं, अब दोबारा से मैं वही चूक नहीं करूंगा या फिर वही गलती नहीं करूंगा कि दुनिया की बातें सुनो, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या सोचती है, ये शायद उन्होंने अब दिमाग से निकाल दिया है। फिर है किंग ऑफ पेंटेगल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे एक किंग है, उसके पीछे बड़ा सा महल है, पीछे नीचे पैरों के नीचे भी काफी सारा लग्जरियस कुछ है, उसके हाथ में पेंटेगल है, वैसे ही ये पर्सन शायद अब घर वगैरह को इम्पोर्टेंस दे चुके हैं, फैमिली को भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे चुके हैं। मतलब एक जिंदगी में जैसे एक किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे एक राजा को सोच समझ के फैसला लेना होता है, सबके बारे में वो सोचता रहता है, खुद के बारे में ही सिर्फ सोचना उसके लिए सही नहीं होता, वैसे ही ये पर्सन शायद सबके बारे में सोच चुके हैं, अपने घर वालों के बारे में, अपने करियर के बारे में, पैसों को भी लेके काफी ज्यादा सोच चुके हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे एक पेंटेकल हाथ में है, वैसे कोई तो एक उनकी विश है जिसके बारे में ये काफी ज्यादा राइट नाउ सोच रहे हैं या सोच रही है। वो विश कोई भी हो सकती है, आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना हो सकता है, या फिर ऐसे कोई उनके दिल के जज्बात, उनसे जुड़ी बात जो उनके लिए सच में ज्यादा मायने रखती है, और उस बात को लेके भी ये सोच रहे हैं। शायद यही विश आपको बताना भी चाहते कि आखिर ये आपको लेके क्या सोचते हैं या क्या सोचती है। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अभी भी पेज की एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, यानी कि जैसे यहाँ पे हाथ में कप है, लेकिन उस कप का सही यूज क्या होगा, यानी कि आपको किस तरह से, अगर आप रूठे हैं तो किस तरह से मनाना है, किस तरह से आपको यह एहसास दिलाना है कि इनके दिल में असलियत में आपके लिए क्या जज्बात है, वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या फील करते हैं या क्या फील करती है, इस बात को लेके भी इस पर्सन के दिलो दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये प्यार का कप आपको देने का जरूर ठान चुके हैं वो, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आ चुका है तो भी दोबारा आपको ये कप ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है नाइन ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं तो काफी ज्यादा आपको मिस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लेडी है, उसके हाथ में एक छोटा सा बर्ड है, वो अपने दिल की बात है इस बर्ड के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही है, काफी ज्यादा कंफर्ट लेवल है उसके पास, यानी कि पेंटेकल सभी है, मतलब अच्छा खासा करियर हो सकता है, घर भी अच्छा हो सकता है, पैसे वगैरह भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका मन नहीं लग रहा, ये उदास है। और ये क्यों है, क्योंकि वो एक पेंटेकल को मिस कर रही है। जहाँ पे टेन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आता है, एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है, जहाँ पे टेन ऑफ कप्स की तरह ही एक कपल होता है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग भी उस पिक्चर में शामिल होते। तो वैसे ही शायद अब ये पर्सन शायद टेन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी में जाना चाहते हैं, और विदाउट यू उस एनर्जी में ये पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये उनको एहसास होना है, जिसकी वजह से शायद ये समझ रहे हैं कि आपके इम्पोर्टेंस इनकी जिंदगी में क्या है। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से हमें बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। सात कार्ड लेंगे हम, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये सात। पहला ही कार्ड है रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। तो ये कार्ड तो यही बताता है कि ये पर्सन जिंदगी से लड़ते हुए, उन मुसीबतों का अकेले अकेले सामना करते हुए काफी ज्यादा थक चुके हैं, जिसकी वजह से इनको एहसास हो रहा है कि इनके सिर्फ सोल लेवल तक
ये इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कई बार हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं तो भी वो रेस्ट ले नहीं पाते, कुछ ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जिसकी वजह से कुछ बातों के बारे में हम सोचने लगते हैं, जिस वजह से लगता है कि रेस्ट लेना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि माइंड दुगना काम करने लगता है और उसी वजह से हम सोच सोच के भी कई बार थक जाते हैं विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो इस पर्सन का भी ऐसा ही हो रहा है, वो जब भी शायद सोने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली सोल लेवल पे शायद आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ इनका झुकाव बढ़ रहा है। ये कनेक्शन वो दिल से फील कर रहे हैं या कर रही है। एंड जैसे यहाँ पे ये कुछ और नज़ारा है लेकिन बाकी की तरफ बाहर की तरफ दिखने वाला नज़ारा कोई और है, वैसे ही हो सकता है इस पर्सन के साथ किसी ने छलावा किया है, उन्हें कुछ रियलिटी और ही दिखाई दे रही थी और असलियत कुछ और ही निकली, जिसकी वजह से अब ये पर्सन उस सच्चाई को समझ चुके हैं, उस धोखे को भी ये फेस कर रहे हैं और उसी वजह से एहसास भी हो रहा है कि दुनिया में किस हद तक लोग किसी के साथ छलावा करते हैं, या फिर जब छलावा होता है तो हम उस एनर्जी में होते हैं कि असलियत को कई बार हम देख नहीं पाते। तो अवेकनिंग की भी प्रोसेस आप कह सकते हैं, उस प्रोसेस में भी ये पर्सन है जिसकी वजह से काफ़ी सारी बातों को लेके एहसास ज़रूर हो रहा है उनको। फिर है अप्रिशिएशन। तो जैसे ये कार्ड बताता है कि हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में हमें अप्रिशिएट करे, मतलब हमें कोई समझे हमारी बातों को, हमारे एहसास को, हमारे जज्बात को। और वही अप्रिशिएशन अगर आपकी तरफ से इस पर्सन को आप तक आपने दिया था तो उन बातों के इम्पोर्टेंस नाउ ये समझ रहे हैं। यानी कि ऊपरी तौर पे कुछ लोगों ने शायद इनको ये समझाने की कोशिश की थी कि नहीं वो पर्सन तो नहीं, मैं तुम्हें सबसे अच्छे से समझता हूँ या समझती हूँ, लेकिन जब रियलिटी वो फेस कर रहे हैं कि सच में तो ये पर्सन कभी इनको समझते ही नहीं थे, वो कुछ और ही प्रिटेंड कर रहे थे, वैसे ही उन्हें अब एहसास हो रहा है कि सच्चे दिल से किसी के लिए अप्रिशिएशन क्या इम्पोर्टेंस रखता है, उन बातों की भी इम्पोर्टेंस ये समझ रहे हैं। फिर है डिसीट। डिसीट का कारण भी यही बताता है कि उन्हें ज़रूर शायद ऐसे किसी क्लोज वन ने धोखा दिया है जिसकी वजह से उनके लिए किसी के ऊपर भी भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है और इसीलिए अब दोबारा से नई शुरुआत करते वक्त वो किसी अनजान के ऊपर भरोसा करना पसंद नहीं कर रहे, और इसीलिए शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि आप तो ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर अभी भी इनका काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, या फिर आपने उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ा है, शायद इसी वजह से आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है इन डिसीजन। तो अभी भी जैसे इस कार्ड में हमने देखा पेज ऑफ कप्स के कार्ड में कि कुछ बातें हैं जिनके बारे में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की एनर्जी में है, मतलब उनके सामने ऑप्शंस तो है आपकी तरफ रीच आउट होने के, आपको बताने के, लेकिन किस तरह से बताएं, क्या करें, कॉल करें, मैसेज करें, या फिर जो हो गया उसको भुला दें, इस तरह की एनर्जी में है। मतलब इन डिसीजन कोई फैसला नहीं कर पा रहे, दुविधा में है क्योंकि खुद की गलती भी तो माननी पड़ेगी। ये जब आपको बताएंगे कि किसी ने इनको धोखा दिया है तो ये भी आपको पता ही चलेगा कि इनके ज़िंदगी में इन्होंने उस पर्सन को इतने इम्पोर्टेंस दिए थे, तो ये बात भी तो उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और यही शायद उनकी जुबान से वो कन्फेस नहीं कर पा रहे, लेकिन शायद डिसीजन मेकिंग तो चल ही रहा है। फिर है द सन। सन मतलब जैसे डार्कनेस में सूरज की रोशनी की वजह से सब कुछ क्लियर हो जाता है, वैसे ही अब इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है और उसी क्लैरिटी की वजह से ये सही और गलत में से कुछ फैसले लेने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है विक्ट्री। तो विक्ट्री का कार्ड यही बताता है कि कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, और ये पाना क्या हो सकता है अगर टेनो इस पेंटेकल के कार्ड में भी हमने देखे कि किंग ऑफ पेंटेकल, तो कोई तो एक ऐसी विश है जो वो पूरी करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं और उसी जीत को हासिल करने के बारे में ये सोच रहे हैं। तो जेंटल रीडिंग के आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।